आपके अपने चैनल जैन पाकशाला पाठशाला सरला के साथ में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर का जूस। आप सोचेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? जी कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी जानते हैं ना टमाटर विटामिन सी का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। इसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स और लाइकोपिन मिलते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि ये सब फायदेमंद कब होते हैं? जब इनको कच्चा खाया जाए, और कच्चा तो हम सिर्फ सलाद की तरह खाते हैं। बाकी कच्चा टमाटर कब खाते हैं? ग्रेवी में हुआ, सूप में हुआ, किसी में भी हुआ, लेकिन हम इसे पका ही लेते हैं। तो आज हम बनाने वाले कच्चे टमाटर का जूस, या कह दीजिए शरबत, इंस्टेंट शरबत, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और आपको एक बात पता है कि कच्चा टमाटर हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने में बहुत मदद करता है, जितना कि पका हुआ नहीं। तो इसलिए ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा हमारी सेहत के लिए, और इससे बहुत सारे पोषक तत्व तो वैसे ही मिलते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए हम ऐसा मज़ेदार गर्मियों के लिए फ़ायदेमंद सेहतमंद रेसिपी बनाने में देर क्यों करें, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिए ये टमाटर। टमाटर हमें ताज़ा लाल लाल अच्छे लेने हैं ताकि इसके जूस का कलर अच्छा आए। और साथ में लिए हमने ये दो चुटकी काली मिर्च, एक चुटकी हमने लिया है काला नमक, दो चुटकी सादा नमक या सेंधा नमक लिया है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। और साथ में लिया है हमने ये चौथाई चम्मच पिसा हुआ जीरा, और ये लिए हमने चीनी, और ये है हमारे पास पानी, जितनी चीनी उतना पानी, इसका हम शुगर सिरप बना लेंगे। ये देखिए हमने चीनी में पानी डाल दिया है, और अब हम इसको गैस पे चढ़ा के इसको ऑन कर देते हैं। ये देखिए हमारी शक्कर करीब करीब घुल गई है, बस शक्कर घुल जाए और एक उबाल आ जाए, बस इतने में हम इसको बंद कर देना है। इसकी कोई चाशनी तार वार ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ चीनी को पिघलाना है। इससे क्या इसका टेस्ट अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें सीधी शक्कर भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर इस तरह शक्कर को एक उबाल लेके पिघला के जब डालेंगे ना, तो इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोनों ऑप्शन है, आप जैसे चाहें वैसे करें। मैं आपको ये वाला बता रही हूँ, वो तो आसान ही है कि इतनी इच्छा से शक्कर डाल दीजिए। ये देखिए हमारा उबाल आने वाला है, बस ये बहुत तैयारी है इसकी। ये लीजिए इसका उबाल अच्छे से आ गया है ये, और अब मैं इसको गैस को बंद कर दे रही हूँ। ये बस टमाटरों को हमने अच्छे से धो के साफ कर लिया, और अब हम इसके ऐसे रफली टुकड़े कर लेते हैं ताकि हमारे आसानी से ये ब्लेंड हो जाए। अभी हमने मिक्सी का जार लिया, उसमें हमने ये टमाटर के टुकड़े डाल देने हैं। अब इसमें हमारे मसाले डाल देंगे, काली मिर्च, ये काला नमक, जीरा, और ये नमक, ये सारे हम चारों चीज़ें हमने इसमें डाल दिए, और इसको हमने एक बार ब्लेंड कर लेना है। अब हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए अच्छे से ये बढ़िया सा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये सिरप, ये हमने सिरप डाला है करीब 3 बड़े चम्मच। फिर आप इसको टेस्ट करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसको मैं एक बार वापस ब्लेंड करने वाली हूँ। ये हमारा अच्छे से पिस पिसा के तैयार हो गया है। अब हम इसे ये इसमें सारा डाल दिया, और इसे छान लेते हैं। मैं इसको छान के आपको बता रही हूँ, लेकिन आप इसे बिना छाने भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल फाइन पिस गया है, तो ऐसी स्थिति में ये बिना छना होता है ना, तो थोड़ा बहुत कहीं अंश आता है ना इसका, बाइट्स वो अच्छे लगते हैं, लेकिन कई लोग पसंद नहीं करते, इसको फाइन चाहिए। तो मैं ये आपको बता रही हूँ किस तरह आप इसको छान कर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा शानदार टमाटर का ताज़ा जूस या शरबत, जो बोलें आप, वो बनकर तैयार है ये। और देखिए मैं एक में और परोस देती हूँ। ये देखिए ये मैंने 4 टमाटर किए, इसका आराम से ये 2 ग्लास तैयार हो गया है ना, मज़ेदार। देखिए कितना टेस्टी। और अब मैं इसको ताज़ा पुदीने की पत्ती से गार्निश करती हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, विटामिन सी से भरपूर ताज़ा जूस तैयार है।
देखिए टमाटर को हम कई तरह से खा सकते हैं, सलाद भी बनाते हैं, जूस बनाते हैं, सूप बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर में टमाटर पक जाता है और पके हुए टमाटर इतना फ़ायदा नहीं करते जितना कि ये कच्चा टमाटर करता है। और ये हमारा कच्चे टमाटर से बना हुआ जूस है जिसमें कि सारे इसके महत्वपूर्ण विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट वगैरह सभी इसमें सुरक्षित रहते हैं और जो हमको ज़्यादा फायदे देते हैं। तो है ना मज़ेदार, स्वास्थ्यदायक और स्वादिष्ट। फिर देर किस बात की, चलिए बनाइए, पीजिए, पिलाइए और एंजॉय करिए।